नमस्कार, मैं निशा पंजवानी, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24। आई नजर डालते हैं आज के देश विदेश खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राज माता गौ माता का दर्जा दिया है। सरकार का कहना है कि वैदिक काल से स्वदेशी गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। इससे गौशालाओं में स्वदेशी गायों का फायदा होने की बात कही गई है। गायों के पालन पोषण के लिए हर रोज 50 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। मुंबई में अटल सेतु से एक और शख्स ने कूद कर दी जान। पुलिस को अब तक उसका नहीं मिला है शव। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति ने अटल सेतु पर अपनी एसयूवी खड़ी की और उसके बाद नीचे छलांग लगाई। राहगीरों ने जब अधिकारियों को सूचना दी तो उसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बता दें, इससे पहले एक महिला डॉक्टर और इंजीनियर की भी सेतु से कूद कर अपनी जान दे चुके हैं। HDIL के पूर्व प्रमोटर राकेश वधावन ने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। इनकी याचिका पर NCLT मंगलवार को सुनवाई करेगा। उन्होंने अपने आवेदन के माध्यम से CIRP में एक रिवाइवल प्लान का प्रस्ताव देने की मांग की है। बदलापुर के आरोपी का शव दफनाने के लिए उल्लासनगर की शांति नगर शमशान भूमि का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पत्रकारों को भी शमशान भूमि से बाहर निकाला गया। इसके बाद फिर से JCB मशीन मंगवाकर शव दफनाने के लिए गड्ढे की खुदाई की गई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी कंपनी के शौचालय में गया था और अंदर ही बेहोश होकर गिर गया, जहां उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार प्रिया, तुला माझ्या गावचे मित्र माहिती आहेत ना? अगं तो शंकर, गणू सगळ्यांची मुलं ना आता शाळेत जायला लागली। त्या नीमा काकू आहेत ना, त्यांचा राजू हा तुझा प्लॅन सक्सेसफुल होऊ देईल असं मला नाही वाटत। एक मिनिट, म्हणजे तू राजूच्या मुलीबद्दल बोलतोय? हो, तिच्याच बद्दल बोलतो। त्याचं असं म्हणणं आहे की मी घरचं बघू का मुलीच्या शिक्षणाचं बघू। अगं वेड आहे का तू? त्याला कुठे काय करायचंय? मुलीच्या शिक्षणासाठी मुलगी अगदी 18 वर्षांची होईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या लेख लाडकी योजनेमार्फत टप्प्याटप्प्याने शिक्षणासाठी पैसे दिले जाणार आहेत। आता हे ऐकल्यानंतर ना तो राजूच काय, नीमा काकू पण नाव घालते की नाही बघ शाळेत। चला, म्हणजे एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हा तुझा संकल्प तू पूर्ण करणारच। राज्यातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांनी असा संकल्प केला तर शाळाबाह्य मुलींची संख्या शून्यावर आणता येईल। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ, हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची तळमळ। तू बोलली होती बर का, आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये, आणि हो जेव्हा 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडी मध्ये जाऊन लेख लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचं? धन्यवाद बर का माझ्या लेकीनं। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेख लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ, हीच आहे।